दयाशंकर जी, आयुष्मान विभाग है आपके पास। ऋषि मुनियों की पद्धति की बात जब की जाती है, क्योंकि देव नगरी है बनारस, बहुत तपोभूमि कहिए, बहुत ऋषियों ने यहाँ पर तपस्याएं की हैं, तो ऋषि मुनियों की जब पद्धति की बात की जाती है, चिकित्सा पद्धति की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं बनारस को जोड़ा जाता है। इस दिशा में क्या काम हो रहा है हमारे राज्य सरकार की ओर से? देखिए, अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि मोदी जी ने सिर्फ विकास की बात नहीं किया, विरासत को भी सहेजा। ऋषि मुनि हमारा योग, ये विधा ऐसी थी जिसके बारे में कहा था योगियों की विधा है। योगी मतलब जो हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में जो ऋषि मुनि रहते थे, ये उनकी विधा थी। उसको जनसुलभ करना, उसको देश में जन जन तक पहुंचाना, और आपको गर्व की अनुभूति होती है जिस दिन 21 जून को आप देखते हैं कि दुनिया योग दिवस विश्व योग दिवस के रूप में उसको मनाती है। जब आप टाइम्स स्क्वायर अमेरिका में, बिग बेन घड़ी के नीचे लंदन में, एफिल टावर के नीचे फ्रांस में जब आप लोगों को योग करते देखते हैं, तो निश्चित ही आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा। ये हमारी एक विधा थी। आपने आयुष की बात किया। इस देश में बात तो होती है कि हमने क्या क्या खोया, 700, 700, 800 साल की गुलामी में हमने क्या क्या गवाया। हमने एक अपनी शिक्षा प्रणाली को खोया, चिकित्सा प्रणाली को खोया। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा आक्रमण हमारे शिक्षा प्रणाली पर किया, हमारी पूरी शिक्षा नीति को बदल दिया, जो गुरुकुल की परंपरा थी उसको खत्म कर दिया। गुरुकुल से ही हमारा चिकित्सा पद्धति भी विकसित थी। वेदों में आयुर्वेद का जिक्र है, अथर्ववेद की उपशाखा मानी जाती है आयुर्वेद। आयुर्वेद अगर हम वेद की उम्र 10,000 साल माने तो हमारा आयुर्वेद भी 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल माने तो 20,000 साल पुराना है, वेदों की उम्र लोग 30,000 से 40,000 साल पुराना मानते हैं। उस आयुर्वेद को देश अपना भूलने लगा था। मोदी जी ने इस देश में 14 की सरकार बनने के बाद 9 नवंबर 2014 को पहली बार आयुष के मंत्रालय का गठन किया, जिसमें सिर्फ आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद है, यूनान की एक पद्धति है जिसको आप यूनानी कहते हैं। 2700 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा शुरू की गई पर्वतीय अंचलों में एक विधा प्रचलित है जिसका नाम है सोवा रिग्पा। आप जब कश्मीर की लाहौल स्पीति घाटी से लेकर आप इस देश के पर्वतीय अंचल जो हमारे सातों राज्य हैं कसम तक जाते हैं तो वहां वो सोवा रिग्पा प्रचलित है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में विशेषकर प्रचलित है सिद्धा, जिसको आप सिद्ध ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध की हुई विधा है जिसका नाम सिद्धा है। सोवा रिग्पा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योग और आपके होम्योपैथ, होम्योपैथ जिसका जन्म आज से 270 साल पहले जर्मनी के डॉक्टर, एलोपैथ के डॉक्टर ने किया था जिनका नाम सर हैनीमैन था। इन सारी विधाओं को मिलाकर आयुष का मंत्रालय इस देश में बना। आज मैं आयुष का मंत्री हूं। जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो 2014-17 में उत्तर प्रदेश में भी आयुष के मंत्रालय का गठन हुआ। ये हमारी वो विधा है जो हमारी विरासत है। हमने कहा आपसे कि दुनिया में जब कोरोना के काल में आपने देखा कि न टीका था न दवाएं थी, सारा संसार जब तड़प तड़प के मर रहा था तो भारत के योग ने संसार को जीने की राह दिखाया, तो हमारे गिलोय ने, हमारे मसालों ने, हमारी दालचीनी ने, हमारी काली मिर्च ने, हमारे मसालों ने लोगों को अपनी प्राण रक्षा के लिए वो काढ़ा पीकर जीने की आदत में डाला। तो मुझको लगता है कि तब आयुष की, तब आयुर्वेद की शक्ति को समाज ने पहचाना। ये आप कुछ बातें हम ही अभी आप कह रहे थे, तो हमारे देश में मोदी जी के आने के बाद इसके पहले किसान क्या था? किसान भी तो राजनीति का एक हथियार हुआ करता था, एक विषय था, प्रिय विषय था जिसके नाम पर सियासत होती थी। लेकिन आजादी के 70 सालों में किसी ने इस देश के किसान को एक रुपया कभी नहीं दिया। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया एक छोटे से किसान के खाते में जाती है। एक परिवार में अगर 3 लोग हैं जिनके नाम से छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं तो 36,000-18,000 रुपया उनके खाते में जाती है। तो ये किसान हो, वो गाँव की महिलाएं जो कभी चूल्हा फूंकती थी, गोहरी पे, लकड़ी पे, रहेठा पे,
खाना बनाती थी। मोदी जी गरीबी में पल के जिए हैं, मोदी जी को गरीब का दर्द पता है। उज्ज्वला योजना की गैस, आज इस देश के हर घर में अगर गैस पे खाना बनता है तो मोदी जी की देन है। लोगों ने आवास की बात किया गरीबों के, इस देश में गरीबों के 50 करोड़ खाते, जनधन के खाते खुले तो पूरा देश आलोचना कर रहा था कि इन खातों का क्या मतलब है, लेकिन आज उसी जनधन के खातों से देश की हर योजना का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से गरीब के खाते में जाता है, चाहे वो विधवा वृद्धा पेंशन हो, किसान सम्मान निधि हो, विकलांग पेंशन हो, आवास योजना का पैसा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, न जाने कितनी योजना है जो गरीबों की योजना है। अभी हमारे मंत्री जी मंच पर बैठे हैं, 18 विश्वकर्मा, पीएम विश्वकर्मा का मतलब कि 18 वो योजनाएं, राजगीर, बढ़ई, कुमार, कुहार, आपके नाई, धोबी, राजगीर, ये सारी 18 विधाएं जिनके लोगों को 10 दिन की ट्रेनिंग में 500 रुपया दिया जाएगा, फिर उनको 20,000 रुपए का टूल किट दिया जाएगा, वो हलवाई भी जिंदा हो जाएगा, वो राजगीर भी जिंदा हो जाएगा जो लोगों से 20,000 रुपए के लिए कर्ज लेता था। और अब बताऊं आपको, 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, 3,00,000 रुपया 5% ब्याज पर, ये 18 विधाओं के श्रमिक जिंदा होंगे। हम बधाई देना चाहते हैं मन पर बैठे अनिल राजभर जी को, जिन्होंने आज उत्तर प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास आज मोदी जी ने किया है, उद्घाटन किया। ये वो विद्यालय है जिसमें 1,000 बच्चे एक विद्यालय में, किसके बच्चे जानते हैं, उन गरीबों के बच्चे जिनको जिनके माता पिता रोजगार के लिए, वो राजगीर का काम आज बनारस में है, कल गाजीपुर है, परसों मिर्जापुर है, उन गरीब श्रमिकों के बच्चे पढ़ेंगे इसमें। और कोरोना के काल में इस देश में उत्तर प्रदेश ने जितने लोगों, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, वो सारे बच्चे, 1,000 बच्चे एक एक मंडल में, ये उत्तर प्रदेश के 16 मंडल में ये कॉलेज बने हैं। किसने पोछा उन गरीबों के आंसू, किसने पोछा है श्रमिकों के आंसू, किसने पोछा है किसानों के आंसू। तो मोदी जी का कोई भी काम राजनीति आधारित नहीं होता है। आज महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो इस देश की माताओं बहनों का सम्मान किया उन्होंने। अनिल जी, क्योंकि सवाल अगर राजनीतिक ना हो तो मजा थोड़ा मंच फीका रह जाता है और ऑडियंस को भी आनंद थोड़ा कम आता है। आरोप लगते हैं कि जो स्क्रिप्ट ऊपर से पास होती है वो नीचे तक जाती है। आज आप मंच पर थे, तमाम मंत्री मंच पर थे, दयाशंकर जी भी मंच पर थे, तमाम मंत्री नेता पहुंचे हुए थे, मोदी जी पहुंचे हुए थे, स्क्रिप्ट सेम थी ऐसा कहना विपक्ष का, तो इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? देखिए, विपक्ष को तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, अब तो जनता की अदालत लगने वाली है। और विपक्ष अगर ठीक से सही बातों को स्वीकार करता तो मैं समझता हूं कि भारत की महान जनता कम से कम उनका उनकी इतनी दुर्गति न करती। सच्चाई को स्वीकार न करना और सही काम का भी समर्थन न करना, ये विपक्ष की आदत हो गई है और विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष का फैशन बन गया है। इन बातों से देश बहुत आगे निकल चुका है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो नारा दिया है, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, देश का जो युवा है वो इन नारों के साथ चलना चाहता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के तरफ जो भारत की सरकार आगे बढ़ रही है, इस अमृत काल में काल का ये जो संकल्प है, इस संकल्प के साथ भारत का युवा जुड़ रहा है, इस बात का अंदाजा विपक्ष को नहीं है। और इसीलिए विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, किसी एजेंडे पर एक कभी किसी भी विषय पर वो टीका हो ठहरा हो, विपक्ष आप एक एजेंडा नहीं बता सकते, आप एक विषय नहीं बता सकते। और इसीलिए आज भारत की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करके जिस तरह से आज भारत को मजबूत बनाने का जो काम हो रहा है, उसकी स्वीकारिता पूज्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए जितने भी नारे हैं उसकी स्वीकारिता जनता में बढ़ रही है, जनता में भरोसा बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। और इसलिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जनता अपने आप को भागीदार बनाना चाहती है, जनता भी प्रयास करना चाहती है। और ये बातें विपक्ष को अच्छी नहीं लगती।
तो बेवजह की बातों को करना, ये अब ये वो भारत नहीं है कि आप कुछ भी कह के यहां की जनता को आप गुमराह कर दें, नौजवानों और माताओं बहनों को गुमराह कर दें, किसानों को गुमराह कर दें। अब ये गुमराह होने वाली जनता नहीं है, ये नया भारत है और जिसकी धाक पूरी दुनिया में जम रही है। अभी G20 का सम्मेलन बीता है, आप बताइए ना, मां भारती का परचम किस तरह से बुलंद हो रहा। ये पढ़ा लिखा हमारा ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है, ये सदियों से जिनके सपने रहे हैं भारत को उसी रुतबे में देखने का, भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने का, एक समृद्ध भारत के रूप में देखने का अपने देश का सपना कितने दिनों से रहा है, लेकिन आज लगता है आम जनता को कि हमारा सपना साकार हो रहा है, हमारे युवा को लगता है कि हमारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है। और एक छोटी सी बात, माननीय मंत्री जी ने कहा यहां पर कि जब पूज्य प्रधानमंत्री जी गरीबों के खाते खोल रहे थे तो विपक्ष मजाक उड़ा रहा था कि मोदी जी की सरकार तो भैया रिक्शा चलाने वाले का, टाली चलाने वाले का, पटरी पे व्यापार करने वाले, सब्जी बेचने वाले का भी खाता खुलवा रही है, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का भी खाता खुलवा रही है। लेकिन आज उनके मन से पूछिए, जब आवास का पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, जब शौचालय का पैसा सीधे उनके खाते में जाता है, जब कोविड काल की चुनौती का सामना ये देश कर रहा था, उनके जख्म पर मरहम लगाने के लिए जब सरकार ने उनके खाते में जब पैसा भेजा, 500 रुपया, 1000 रुपया, गरीब माताओं बहनों मजदूरों के खाते में जब पैसे जा रहे थे, तो उनके मन से पूछिए, जब वो सीधे बैंक में जाकर अपना पैसा निकालकर अपना घर बनाते हैं, अपना शौचालय बनाते हैं, सरकार की सुविधाओं का लाभ लेते हैं, तो मोदी जी का किस तरह से जयकारा लगाते हैं, इसकी कल्पना विपक्ष को नहीं होगी। अगर एक झलक उसका अगर देखना हो तो जिस बात की चर्चा हमारे साथी मंत्री बड़े भाई दयालु मिश्र जी कर रहे थे, अटल आवासीय विद्यालय आज उद्घाटित हुआ है, उसका लोकार्पण पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी तो हर मंडल पर हम एक बना रहे हैं, अब ये संचालित हमने कर दिया है, सत्र भी प्रारंभ हो गया है, अब इसको हर जिले पर हम एक लेकर जा रहे हैं। आप समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि श्रमेव जयते, श्रम को सम्मान, गरीब को सम्मान, जो देश का निर्माण करता है हमारा मजदूर वर्ग, उसके मेहनत को सम्मान। ये जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, उनके नारे को चरितार्थ कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश की धरती पर। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर 8,39,00,000 श्रमिक हमारे यहां रजिस्टर्ड हैं, उनका भरोसा जीतने का काम आज पूज्य प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अब ये पूरा श्रमिक हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, तो हमने भरोसा जीता है जनता का। इसलिए विपक्ष चाहे जो कहना वो कहे, कहने के लिए स्वतंत्र है, वो कह सकते हैं, लेकिन असली फैसला तो जनता की अदालत में होगा, वो जनता की अदालत लगने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है।